हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि आपका जो अपर्चर होता है अपर्चर जो एट्रीब्यूट है वो लेंस का एट्रीब्यूट होता है। तो अपर्चर को कैसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करें अपनी फोटोग्राफी में, चाहे आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफी करते हो, वेडिंग्स, पोर्ट्रेट्स, फैशन, लैंडस्केप, स्ट्रीट, स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, बर्ड फोटोग्राफी, कोई भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में अपर्चर का कितना बड़ा रोल होता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। बट इसके पहले मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि मैंने ISO के ऊपर और शटर स्पीड के ऊपर भी कुछ डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। पहले उनको देखिए, क्योंकि जो अपर्चर है वो शटर स्पीड, ISO, अपर्चर, ये जो तीन एलिमेंट है ये आपका एक्सपोजर ट्राइंगल बनाते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो मुझे लगता है वो अपर्चर है। इसलिए मैं इसको लास्ट में कवर कर रहा हूँ, ताकि पहले दो अगर आपने नहीं देखे हैं, आप देखेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और फिर जब आप अपर्चर को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे अपर्चर से रिलेटेड, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले उन दो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप ऑलरेडी शटर स्पीड और ISO के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ मैं इन चीज़ों में बिल्कुल डिटेल में और टेक्निकली नहीं घुसूंगा कि अपर्चर होता क्या है, वो कैसे काम करता है, डायफ्राम ब्लेड्स क्या होते हैं, वो ह्यूमन आयरिस जैसा होता है, वो प्यूपल जैसा होता है, और जैसे आपकी आंखों की प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, वैसे ही अपर्चर भी काम करता है। ये सब आप बहुत कुछ सुन चुके हैं सारे ट्यूटोरियल वीडियोज़ में, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल वीडियोज़ बनाए हैं अपर्चर के ऊपर। तो ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझा देता हूं कि अपर्चर एक्चुअल में होता क्या है, और वो मैं समझाऊंगा आपको ये कैमरा के थ्रू। आई डोंट नो कि आपको इसमें दिखाई देगा कि नहीं, बट अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे यहां, मैं अपने जो अपर्चर है इसको मैं वाइड कर रहा हूं, तो ये देखिए लॉक हो जा फोकस भाई, हाँ, और ये मैंने स्मॉल अपर्चर कर दिया। मेरे पास जो ये लेंस है ये 85mm 1.8 है, तो जब मैं फुल वाइड अपर्चर खोलता हूँ तो आप देखेंगे ये सारे डायफ्राम ब्लेड्स खुल जाते हैं और बहुत सारी लाइट लेंस गैदर कर पाता है। और जब मैं स्मॉल अपर्चर की बात करता हूँ, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, और अभी मेरा अपर्चर एफ नंबर दिखा रहा है F22, और यहां पे अब मेरा एफ नंबर दिखा रहा है F1.8। सो अपर्चर बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जब हम स्मॉल एफ नंबर की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं वाइडर अपर्चर की, मतलब ज्यादा लाइट की, F1.4, F1.8, 2.8, F3.5, F4, ये सारे वाइड अपर्चर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब जब भी आप अपने लेंस का अपर्चर इन एफ नंबर्स में रखेंगे तो हम वाइडर अपर्चर की बात कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं F7, F8, F11, F16, F22, ये हायर एफ नंबर्स हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो हम स्मॉलर अपर्चर की बात कर रहे हैं, मतलब कम लाइट आपका लेंस गैदर कर पाएगा। तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, और मैंने आपको बताया भी कि शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, ये तीन एक्सपोजर ट्राइंगल होते हैं, और अपर्चर कम और ज़्यादा लाइट आपके लेंस के थ्रू गैदर करने का काम करता है। तो जितना आप डायफ्राम ब्लेड्स को खोलेंगे उतना ज़्यादा लाइट अंदर को आएगी, जितना आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना कम लाइट अंदर को आएगी। तो इस तरह जो आपके शॉट का एक्सपोजर है वो आप अपर्चर से कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैंने ऐसा क्यों कहा कि अपर्चर, ये तीनों जो एलिमेंट है, शटर स्पीड, ISO और अपर्चर, इनमें अपर्चर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अपर्चर वो एलिमेंट है जो आपके जो ओवरऑल शॉट का लुक है वो डिसाइड करने में आपकी हेल्प करता है। काफी हद तक जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है आपके शॉट का वो अपर्चर पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर आप वाइड अपर्चर रखेंगे तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड शैलो आएगा, मतलब जिसको लोग बैकग्राउंड ब्लर बोलते हैं, ब्लर नहीं होता वो, बार बार मैं अपने कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, उसको हम बोलते हैं। जिस भी आप पॉइंट पे फोकस करेंगे और आपका अपर्चर वाइड है, सपोज 1.8 या 1.4 है, तो जहां पे आपका फोकस लॉक है वो एरिया शार्प आएगा, उसके आगे और पीछे सब कुछ आउट ऑफ फोकस होगा, उसको हम बोलते हैं शैलो डेप्थ। और जब आप अपना एफ नंबर हाई रखेंगे तो जितना आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है वो सारा कुछ आपका शार्प आएगा, उसको हम बोलेंगे ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ज्यादा है और सब कुछ शार्प होने के चांसेस उसमें ज्यादा हैं। तो ये
बेसिकली जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपने शॉट का लुक एंड फील डिसाइड कर रहे हैं कि वो दिखाई कैसे देगा। नाउ कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे तो शटर स्पीड भी हमारे फोटोग्राफ का लुक एंड फील डिसाइड करता है, जब हम स्लोअर शटर स्पीड पे वाटरफॉल को शूट करते हैं तो जो पानी है वो काफ़ी मिल्की और स्मूथ नज़र आता है, और जब हमको स्टार ट्रेल्स या मिल्की वे की फोटोग्राफ लेनी होती है, हम लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेते हैं, उसमें भी शटर स्पीड का जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो नज़र आता है। बिल्कुल सही, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमूमन जो हम डे टू डे फोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड लाइफ, फैशन, पोर्ट्रेट, उनमें हम स्लोअर शटर स्पीड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते अनलेस एंड अंटिल हम कुछ क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, एक्सेप्शनली क्रिएटिव शॉट्स चाह रहे हों शटर स्पीड को स्लो करने के बाद। अपर्चर जो एक ऐसा एलिमेंट है जो हम नॉर्मली डे टू डे फोटोग्राफी में अपने क्रिएटिव लुक को डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं जब भी किसी कोई भी मेरे को बोलता है कि फोटोग्राफी में सबसे पहला स्टेप जब मैं नया नया कैमरा लूँ और मैं फील्ड में निकलूँ, मैं कहाँ से चालू करूँ, कैसे चालू करूँ, स्टेप वन क्या होना चाहिए, तो स्टेप वन तो ऑब्वियसली जब आप शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर के बारे में, एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सबसे पहला एलिमेंट जो आपको सेट करना चाहिए अपने कैमरे में वो अपर्चर है, उसके बेसिस पे आपको अपनी शटर स्पीड डिसाइड करनी चाहिए एंड देन एट लास्ट आईएसओ। तो ये एक बेसिकली आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं सो दैट आप हर समय ये डिसाइड कर पाएं कि अपना शॉट, आपका जो फोटोग्राफ है वो दिखाई कैसा देगा, और वो लुक और फील डिसाइड करने में अपर्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो ब्रीफ में था कि अपर्चर होता क्या है और काम कैसे करता है, अब बात करते हैं मुद्दे की, वो है कैसे आप अपर्चर को क्रिएटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं वेरियस चैलेंजिंग सिचुएशंस में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ऐसी सिचुएशंस जहां पे लाइट लो होती है। नाउ कई लोग लो लाइटिंग सिचुएशंस में आईएसओ बढ़ा लेते हैं और कई लोग नहीं बढ़ाते हैं ये सोच के कि उनमें नॉइज एंड ग्रेन आएगा। नाउ अगर आप उनमें से हैं जो ये सोच के आईएसओ नहीं बढ़ाते कि नॉइज एंड ग्रेन आएगा, तो एक बार अपर्चर पे जरूर ध्यान दे दीजिए। हो सकता है आपका अपर्चर इतना वाइड ना हो जितना आप जा सकते हैं उस लेंस पे, तो अगर आप जा सकते हैं तो स्टार्ट शूटिंग इन वाइड अपर्चर, आपको आईएसओ बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अमूमन ऐसी सिचुएशंस मैंने वेडिंग्स में देखी है, ऐसी सिचुएशंस मैंने इवेंट फोटोग्राफी में देखी है जहाँ पर लाइट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, कहीं तो बहुत ज़्यादा रहती है और कहीं बिल्कुल डिम हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस में कई फोटोग्राफर आईएसओ को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं या शटर स्पीड को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं टू गेट द एक्सपोजर राइट। वहाँ पे अपर्चर पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नाउ दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको डेलिबरेटली मोशन को फ्रीज करने के लिए शटर स्पीड बढ़ानी पड़े, पर जैसे ही आप शटर स्पीड बढ़ा रहे हैं आपका शॉट जो है वो अंडर एक्सपोज हो रहा है। नाउ ऐसी सिचुएशन में भी एक बार चेक कर लीजिए आप अपने लेंस पे कितना वाइड अपर्चर पे जा सकते हैं, हो सकता है आप उतना वाइड ना कर रहे हो या आप भूल गए हो या आपको पता ना हो, तो जैसे ही आप उसको अपर्चर को वाइड करेंगे आप हायर शटर स्पीड पे जा सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे मेरे पास ये जो पैनासोनिक का 85mm है, ये f1.8 है, और सिग्मा का मेरे पास 8 लेंस है, ये 1.4 लेंस है। इसको मैं अमूमन इस्तेमाल करता हूँ फॉर यू नो नाइटस्केप फोटोग्राफी, फॉर मिल्की वे फोटोग्राफी। इन लेंसेज को फास्ट लेंसेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप इन पे फास्टर शटर स्पीड भी इनो रख सकते हैं। नाउ आप बात करते हैं वेरियस सिचुएशंस की जहां पे आप अपने अपर्चर को बड़ा क्रिएटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई इवेंट फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप कोई वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन पे फोकस रखना चाहते हैं और उसके आगे पीछे जितने लोग हैं उनको आप रिमूव अपने शॉट में कर देना चाहते हैं। नाउ टेक्निकली वो प्रॉबेबली पॉसिबल ना हो क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप सबको नहीं हटा सकते, वहाँ पे वाइड अपर्चर f1.4, f2.8, f1.8 इस तरीके के वाइड अपर्चर बड़े काम की चीज़ साबित होते हैं, जिसमें आप जैसे ही सब्जेक्ट पे लॉक करेंगे आपका 1.8, 1.4 अपर्चर सब्जेक्ट शार्प आएगा, उसके आगे और पीछे जो भी कुछ होगा वो शैलो हो जाएगा, वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, तो एक स्मूथ सो कॉल्ड बोके आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप क्रिएटिवली अपर्चर का इस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ दूसरी सिचुएशन कुड बी कि आप जानबूझ के फोरग्राउंड में कुछ ऐसा एलिमेंट आपने रखा हुआ है जिसको आप पूरी तरीके से नहीं दिखाना चाहते, बट आप उसको एज अ आउट ऑफ फोकस सब्जेक्ट रखना चाहते हो,
ताकि आपके शॉट में एक डेप्थ मिले। नाउ फोटोग्राफी इज अ टू डायमेंशनल मीडियम, हमेशा याद रखिए, उसको 3D दिखाने के लिए दो ही तरीके हैं, एक या तो आप लाइट के साथ खेलें, दूसरा या तो आप फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड में कुछ ऐसे एलिमेंट रखें जिससे आपके शॉट में एक डेप्थ नज़र आए। नाउ फोरग्राउंड में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आप नो पेड़ की लीव्स रख सकते हैं, उसको शैलो कर दीजिए, आप कुछ लाइट्स रख सकते हैं ताकि उनका जो बोके बनेगा, उनसे जो ब्यूटीफुल सॉफ्ट बोके निकल के आएगा, वो एज अ फोरग्राउंड का काम कर सकते हैं। हमेशा कोशिश मेरी यही रहती है जब भी मैं कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करता हूँ कि फोरग्राउंड में कुछ ऐसा एलिमेंट रखूँ जिससे थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट हो सके, और वो सिर्फ वाइड अपर्चर से ही आप कर सकते हैं। सो बेसिकली जब आप वाइड अपर्चर करते हैं तो आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है वो काफ़ी थिन हो जाती है, और आगे और पीछे दोनों आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं सब्जेक्ट के। और इसको आप बड़ा क्रिएटिवली वाइल्ड लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ में अगर आप कोई टाइगर की पिक्चर ले रहे हैं, या कोई मैमल की पिक्चर ले रहे हैं, या कोई और एनिमल की पिक्चर ले रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे बुशेज हैं, ट्रीज हैं, लीव्स हैं, और आप उन सबको अवॉइड करना चाहते हैं, तो गोइंग वाइड रियली हेल्प्स देयर, जहाँ पे सब्जेक्ट के पीछे और आगे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। हाँ, एक टिप जरूर मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, जब आप वाइड अपर्चर रखें तो कोशिश करिए आप सब्जेक्ट के जितना करीब जा सकें उतना आप जाने की कोशिश करिए। ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ में आप बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा सकते, बट जितना भी पॉसिबल हो पाए अपने अपने सिक्योर्ड पोजिशन पर रह के उतना पास जाके जाने की कोशिश करिए। जितना करीब से आप सब्जेक्ट के पिक्चर्स लेंगे, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, वाइल्ड लाइफ हो, बर्ड फोटोग्राफी हो, उतना शैलो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड आएगा, उतना शैलो आपका फोरग्राउंड आएगा। दूसरा ये भी याद रखिए, शैलो डेप्थ के लिए ना सिर्फ वाइड अपर्चर की जरूरत पड़ती है, बट आपका जो बैकग्राउंड होता है वो भी सब्जेक्ट से काफी पीछे होना चाहिए। बैकग्राउंड जितना सब्जेक्ट के करीब होगा और जितना वाइड आप रखेंगे, हो सकता है उतना शैलो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना आए, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो सब्जेक्ट के बहुत करीब है और आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो काफ़ी थिन है। अगर आप चाहते हैं ये हिस्सा भी शैलो आए, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पीछे होना चाहिए और आपका जो कैमरा है वो सब्जेक्ट के काफ़ी करीब होना चाहिए, जिससे आप और भी ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और क्रिएटिव डेप्थ ऑफ फील्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो थी वाइड अपर्चर की बातें, किस तरीके से आप वाइड अपर्चर रख के एक बहुत ही क्रिएटिव शैलो डेप्थ अचीव कर सकते हैं अपने शॉट्स में। बट अब बात करते हैं कैसे, अगर आपको बैकग्राउंड, मिड ग्राउंड और फोरग्राउंड सारे एलिमेंट्स आपको शार्प चाहिए अपनी फोटोग्राफ में, तो किस तरीके से उसको हम अचीव कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। नाउ ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड में आपका जो डेप्थ है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और कोई भी एलिमेंट इसके अंदर आएगा वो सब शार्प नज़र आता है। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं एफ नंबर्स की, तो एनीथिंग अबव f5.6 हम टेक्निकली फोटोग्राफी में उसको बोलते हैं कि वो आपको ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड की ओर लेके जाएगा। तो f7, f8, f11, f16, डिपेंडिंग ऑन आप क्या शूट कर रहे हैं, किस तरीके से शूट कर रहे हैं, आप उतना एफ नंबर रख सकते हैं। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, अमूमन मैंने जो देखा है f8 से f11 सफिशिएंट होता है टू गेट अ नाइस डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर आप ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पे भी कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि ग्रुप फोटोग्राफ में कुछ चेहरे जो आगे हैं वो तो शार्प आते हैं, पीछे के चेहरे जो हैं वो आउट ऑफ फोकस या ब्लरी नज़र आते हैं। तो हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा वाइड अपर्चर पे ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप थोड़ा सा अपर्चर को स्मॉल करके देखिए f5.6, f4.5, और आप देखेंगे आपके जो ग्रुप शॉट्स हैं वो शार्प नज़र आने लगेंगे। नाउ ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा आप एफ नंबर रखेंगे उतना ज़्यादा शार्प आपकी पिक्चर आती जाएगी। एक चीज़ याद रखिए, हर लेंस का एक स्वीट स्पॉट होता है, जैसे एफ नंबर का, वैसे ही हर लेंस का एक स्पॉट ऐसा होता है जिसके बियॉन्ड जाके, जिस एफ नंबर के बियॉन्ड जाके वो लेंस और सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्टर रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगता है बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। और कई बार ऐसा भी होता है जब आप f16, f17 से और आगे जाते हैं, कुछ लेंसेज तो f32 तक जाते हैं, और लोगों को ये लगता है अगर वो f32 पे पिक्चर ले रहे हैं तो सब कुछ ही शार्प नज़र आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है और वो इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप उतने हायर एफ नंबर पे अपने लेंस के जो डायफ्रेम है उसको अगर आप देखेंगे, मैं अगर इसको ये जो अंदर डायफ्रेम ब्लेड्स हैं वो बिल्कुल आगे जाके इनमें गैप्स आने लगते हैं, और इन गैप्स के बीच में से जो लाइट है वो लीक करने लगती है, जिसकी वजह से यू नो शॉट्स जो है वो सॉफ्ट हो सकते हैं।
जब तक आपके लेंस का जो अपर्चर है वो वाइड है तब तक तो ठीक है, बहुत सारी लाइट आ रही है, बट जब आप कोशिश करते हैं उसको पूरी तरीके से स्क्वीज डाउन करने की बाय पुटिंग हायर एफ नंबर्स, तो कई बार ऐसा देखने में आया है अच्छे अच्छे लेंसेज के साथ कि जो डायफ्राम ब्लेड्स हैं उनमें लाइट लीक होने लगती है बीच से, जिसकी वजह से जो लेंस है वो सॉफ्टर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लगता है। नाउ आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ये वीडियो देखने के बाद बोलें कि प्राइम लेंसेज तो लेना है बट प्राइम लेंसेज आर रियली एक्सपेंसिव। मैं कोई एक ब्रांड की यहाँ तरफदारी नहीं करने वाला, मुझे ऐसा लगता है गॉन आर द डेज जब प्राइम लेंसेज बहुत एक्सपेंसिव होते थे, अब ऐसा नहीं है। अब यूज्ड मार्केट में भी काफ़ी अफोर्डेबल लेंसेज आ गए हैं। आप लेंसेज को चेक करके, बड़ा सिंपल तरीका होता है यूज्ड लेंस को चेक करने का, आप उसका अपर्चर पूरा वाइड कर दीजिए, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस लॉक करिए, उसका शॉट लीजिए और फिर उसको जूम करके देखिए रिजल्ट शार्प आ रहा है कि नहीं। अगर कोई भी लेंस अपने वाइडेस्ट अपर्चर पे, जिस भी पॉइंट पे आपने फोकस किया है उस पॉइंट पे शार्प रिजल्ट नहीं दे रहा है, मतलब उस लेंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो जब भी आप लेंस खरीदने जाएं, स्पेशली यूज्ड मार्केट से, तो ये करके आप जरूर देखिएगा। वाइड अपर्चर, सब्जेक्ट पे फोकस लॉक किया, रिजल्ट देखा, जूम किया, शार्प है कि नहीं, और अगर नहीं है तो वो लेंस मत लीजिए। और अगर आप नए लेंसेज की बात करें तो जिस लेंस से अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, दिस इज 35mm 1.8 लेंस, और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं मेरे सामने। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना शैलो हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइट जल रही है, ISO मेरा 640 है, शटर स्पीड 1/50 सेकंड, और f1.8 पे ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। और आप देख सकते हैं ये लेंस की जो कीमत है, ये मात्र 40,000 रुपीज़ का लेंस है। ब्रांड मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी भी ब्रांड को एंडोर्स नहीं करता। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, हर ब्रांड का 35mm 1.8 बहुत ही उम्दा लेंस होता है। अगर इस लेंस की मैं बात करूँ, 85mm 1.8, ये जो लेंस है ये भी 60,000 के अंदर अंदर का लेंस है। तो यू कैन एक्चुअली, इफ यू वांट टू लुक, आपको अफोर्डेबल प्राइम लेंसेज, फास्ट लेंसेज मिल जाएंगे। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपके पास एक पुरानी बॉडी है और आपको चॉइस दी जाए क्या अपग्रेड करना चाहिए कैमरा बॉडी की लेंस, I always suggest कि लेंस अपग्रेड कर लीजिए, एक वाइड अपर्चर लेंस ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर जो मैंने आपसे बातें शेयर करी है वो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी बैक विद अनदर सिंपल टू अंडरस्टैंड ट्यूटोरियल प्रेटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।